मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको मैं दिखाया था गाइस रेड एंजेलिक पेंट को मैं लाइव निकाल के दिखाया था ना। आप लोग अगर देखोगे तो आपको पता होगा मेरे अकाउंट में रेड एंजेलिक पेंट था ना। बट अभी के टाइम पे अगर हम वॉलेट सेक्शन में जाके चेक करें तो मेरा वॉलेट में गाइस रेड एंजेलिक पेंट कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा भाई, मतलब रिमूव हो चुका है। गाइस सर इसी क्वेश्चन का आज के वीडियो में मैं आप सभी को आंसर देने वाला हूं, क्या हमारा वॉलेट सेक्शन से रेड एंजेलिक पेंट को रिमूव कर दिया जाएगा एंड उसमें उस इवेंट में मतलब उस ग्लिच में क्या गया खर्च डायमंड जो खर्च किया जिसे इलाइट पास परचेज किया सारे लोग एंड उसे इलाइट पास भी निकाला है एंड जितने भी खर्चा हुआ किसी का तो 20 डायमंड में निकल गया तो किसी का 100-150 में निकल गया, तो क्या वो डायमंड हमें रिटर्न मिलेगा। गाइस यार ये वीडियो लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड पसंद आने वाला है, तो ये वीडियो को एंड तक देखो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, मज़ा आने वाला आज के वीडियो में। देखो मज़ा किसको आने वाला पता है, सबसे पहले तो मज़ा उनको आने वाला है जो नहीं निकाल पाया, जिनका अकाउंट में नहीं निकला यानी कि उनका वेबसाइट में कुछ ये दिख रहा था मतलब ओपन नहीं हो रहा था, नेटवर्क कनेक्शन एरर दिख रहा था, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पता क्यों? जैसे कि ये इवेंट गाइस तुरंत में पता चल गया था गरेना को, इसको फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा था, उतना में लगभग फ्री फायर का 80% प्लेयर यानी कि इंडिया का 80% प्लेयर इस ग्लिच को यूज करके अपना पेंट निकाल गया था, वो भी इनलीगल है भाई, पता है ये इनलीगल है ठीक है, सारे अकाउंट में निकल चुका था ठीक है। और इसे फिक्स करते करते गैस लगभग अगर हम माने तो 20% ही प्लेयर नहीं निकाल पाया था। तो गैस मैं आपको बताता हूँ ये रिटर्न जाने वाला भाई, बैक जाने वाला है, 23 मार्च को हमारे गेम के अंदर में आने वाला है इसका इवेंट ठीक है। और गैस उस इवेंट से आप निकाल तो सकते हो बट गैस जिसका पहले से निकला है उसी दिन मेंटेनेंस भी, आपको मालूम है ना 23 मार्च को हमारा गेम मेंटेनेंस आने वाला है, जैसे कि OB33 का अपडेट आने वाला है और गैस उस अपडेट में देखो आपका अकाउंट से ये पेंट रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं रिमूव होने के बाद जो डायमंड वेस्ट हो तो उसका क्या होगा। देखो मैं आपको 100% बता देता हूँ डायमंड भी रिटर्न मिल जाएगा, डायमंड तो रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक डाउट तो निकल के आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है इस इवेंट में पेंट के साथ साथ इलाइट पास भी था ना, तो गाइस आपको मैं बताता हूँ देखो इलाइट पास और इलाइट पास में बेचेस एंड जितना इलाइट पास का आइटम सारा कुछ क्लाइम कर लिए होंगे और गैस उसका साथ गेम प्ले आपको मैं बताता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि इलाइट पास परचेज किया मैंने, इलाइट पास परचेज करने के बाद आपको पता है कुछ ऐसा बेचेस वगैरह है जिसे आप इलाइट पास परचेज करोगे तभी क्लाइम कर सकते हो, तो वो मैं क्लाइम किया वो भी काउंट हो गया। मतलब कि अगर इस इवेंट में फिक्स किया जाता है तो आपका पेंट के साथ साथ इलाइट पास का आइटम वगैरह भी बेक ले लेगा, मतलब आपका इलाइट पास भी बेक ले लेगा, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे एक तो डाउट मुझे ये निकल के आ रहा है कि इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। लेकिन आपको अगर मैं याद दिलाना चाहता हूं तो 19 का दीपावली में एक मैजिक क्यूब मिल रहा था, याद है, और उसमें गाइस ग्लिच हुआ था, तो उसमें क्या होता ना एक के जगह सब दो दो ले लिए थे। मैजिक क्यूब लेने का तो छोड़ो भाई, मैजिक क्यूब तो जितने लोगों मतलब पास मैजिक क्यूब पड़ा हुआ था मैजिक क्यूब तो गाइस ले ही लिए वापस, काफी लोग तो ड्रेस एक्सचेंज कर लिए थे, मैजिक का जो बंडल होता है वो एक्सचेंज किए थे, वो बंडल भी रिमूव हो गया था अकाउंट से भाई, उतना बड़ा बात हो सकता था गाइस, ये क्या है, ये भी आपका मतलब आपका वॉलेट सेक्शन से ये पेंट 100% रिमूव हो जाएगा और उसी के साथ गैस आपका डायमंड भी रिटर्न मिल जाएगा ठीक है। मजे की बात तो वो है गैस जिनका ओपन नहीं हुआ था वो लोग मतलब काफी लोग निराश हो रहे थे कि गैस मुझे मतलब फ्री में नहीं मिला, क्योंकि गैस अगर आपको पता है फ्री फायर का ये एक ऐसा आइटम है, आपको पता होगा जो एंजेलिक पेंट है वो कितना रेयर माना जाता है, वो तो कभी बेक आने का चांस ही नहीं था भाई, बट वो बेक आया था। उसका बाद अगर अभी का टाइम का बात करें तो फ्री फायर का हमारा काफी लॉस में चल रहा है, अभी उनका दुकान थोड़ा सा ठप चल रहा है, तो वो थोड़ा सा रिफंड यानी कि बैक लाने के लिए गाइस अच्छा अच्छा इवेंट लाने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को पता है इवोल्यूशन गन को बैक लाने का नहीं था, आपको मालूम है इवोल्यूशन जितने भी गन स्किन आ रहे थे उन्हें बैक बिल्कुल भी नहीं लाना था, उसे भी रेयर बनाना था, बट गरीना का वही फिर से अगर कुछ दिक्कत होता है तो गाइस वो हमें मतलब काटा जाता है, हम प्लेयर लोग के साथ ही होता है, तो इसलिए देख सकते हो कि इवोल्यूशन गन स्किन एक एक छोड़ो दो दो तीन तीन बार सारे बैक आ गए, तो इसलिए गाइस आपको ये आइटम तो बेक जाएगा मतलब सबका अकाउंट से रिमूव हो जाएगा एंड 23 मार्च को इवेंट आ जाएगा जिससे आप निकाल सकते हो। देखो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है और गरीना लोग को भी इसमें मतलब गलती है, लेकिन अगर रिमूव हो जाता तो इसमें कुछ कह भी नहीं सकते हैं और आपको डायमंड तो बेक मिल रहा ना भाई। तो देखो ये 23 मार्च को आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि आपको रिमूव होने वाला नहीं होने वाला, काफ़ी लोगों से मुझे पता चला इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना के बता दूँ। वीडियो बना के बताने का मकसद ये है कि अगर रिमूव हो जाता तो आप लोग जस्टिस मत मांगने
करने लगना, क्योंकि भाई इसमें हमारा मतलब क्या है, कुछ नहीं, ग्लिस्ता यूज किया चला गया, जाना तो है ये है भाई। तब इसमें जस्टिस मत मांगने लगना कि हमारे अकाउंट से क्यों रिमूव हो गया। भाई जस्टिस तो फ्री फायर वालों को मांगना चाहिए भाई, 80% प्लेयर के पास ये फ्री में चला गया होगा। बट यार इसके रिलेटेड मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, इसलिए मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और गैस मिलता होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।